हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग नहीं, जो मैंने अभी व्लॉग डाला था भाई की शादी का, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे मतलब रस्में हुई हैं। एक बार हम लोग बारात लेकर गए हैं, फिर दुल्हन को लेकर के आए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे मतलब बहुत सारा कुछ होता है, तो बहुत सारी वीडियोस मतलब बनी पड़ी हुई है, तो एज अ मेमोरी के तौर पर तो मैं डालूँगी ही। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग मतलब दुल्हन जो है तीसरे दिन लेने जाना था, सेकेंड दिन कुछ था इसलिए दुल्हन नहीं आई थी। तो यहाँ पे हो रहा है दोबारा से परछावन, मतलब जो भी हम लोग मतलब फैमिली मेम्बर थे वही उतने ही लोग हैं, परछावन करके और फिर हम लोग मतलब दुल्हन को लेने के लिए गए थे। तो वही हो रहा है यहाँ पर, तिलक वगैरह लगा करके। और देखिए, ये मेरी मम्मी हैं जो हाथ में लोटा ली हुई थी, और ये जो काजल लगा रही हैं ये दी हैं बड़े पापा की लड़की, मतलब जो मेरा भैया है उसके बड़े पापा की लड़की। ये दूल्हा अभी उनको काजल लगाया जा रहा है। तो और दुल्हन को लेने के लिए मतलब एकदम बिल्कुल रेडी हैं सभी लोग। दुल्हन को लेने के लिए मतलब सब लोग नहीं जाएंगे, मैं गई थी, अभी आप लोग को आगे दिखेगा, मैं गई हूँ, भैया गया है और मौसी का एक लड़का जो सहबलिया होता है, सहबलिया बोलते हैं साथ में, मतलब दूल्हे के साथ में जो लड़का जाता है उसको सहबलिया बोला जाता है मेरे वहाँ। और जो मैंने ब्लॉग डाला था शादी वाला, बहुत सारे लोगों का कहना था कि मतलब इस तरह का रीति रिवाज तो हमारे वहाँ भी होता है, कई लोग तो गोरखपुर के साइड के ही हैं, तो जो गोरखपुर साइड के होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि इसी तरह से मतलब सब कुछ होता है। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं दुल्हन को लेने, और मैं जा रही हूँ दुल्हन को लेने क्योंकि बारात में नहीं गई थी, तो सभी लोग बोलने लगे कि तुम ही चली जाओ साथ में दुल्हन को लेने के लिए। तो ही भाई और मौसी का लड़का जो दूल्हे के साथ में होते हैं, और मैं मतलब गए थे हम लोग लेने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं भाभी के घर, और गठबंधन वगैरह होता है ना, तो ये सब करके मॉर्निंग का ये काम होता है जब दुल्हन को विदा करना होता है, तो गठबंधन वगैरह होता है, उसके बाद से फिर दुल्हन को हम लोग लेकर के आते हैं। तो ये वही हो रहा है, और ये दुल्हन का घर है, मतलब मेरी भाभी का, और उनका दो घर है, तो ये पुराना मकान है, तो पुराने मकान में ही मतलब उनके जो देवता वगैरह जो होते हैं, पितृदेवता बोलते हैं, वो सब मतलब पुराने मकान में ही हैं, तो इसलिए शादी वगैरह इसी मकान में हुआ है। बाकी एक नया मकान बना हुआ है इसी घर के सामने, मैं उसको सूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मतलब इतना ध्यान नहीं था मुझे कि मैं क्या सूट कर रही हूँ क्या नहीं, वो तो मेमोरी के तौर पे मैं थोड़ा बहुत सूट कर ले रही थी, नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब भागम भाग में समझ नहीं आता है, कैमरा उठाने का ध्यान ही नहीं आ रहा था। तो वही घर के सामने ही उनका मकान, न्यू मकान मतलब बना हुआ है, तो वहाँ पर शादी नहीं हुई थी, शादी यहीं पर हुई थी, इनका पुराना मकान था, यहाँ पर इनके देवता वगैरह थे। तो अभी वही देखिए, यहाँ पर गठबंधन हो रहा है, पूजा अभी हो रहा है फिलहाल, तो अभी यहाँ पर मतलब गठबंधन हो गया है, और यहाँ पे आके घर के अंदर मतलब कुछ रस्में होती हैं यहाँ पे, तो वही फिलहाल हो रहा है। बस ठीक है। तो वहाँ पे दुल्हन की विदाई हो रही थी, तो मतलब रोना धोना आप लोगों को पता ही होगा, वो सब मैंने सूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सूट नहीं किया। तो फाइनली हम लोग भाभी को लेकर के आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग रवाना हो गए हैं अपने घर के लिए। तो बस घर पे चल के मिलते हैं और दिखाते हैं। वैसे हमने सूट कर लिया है, आप लोग भाभी जी को देख ही लिए हैं, दुल्हन को क्या ही दिखाना फिर, है ना। तो
घर चल के दिखाते हैं। अब हमारे वहाँ का रस्म देखिएगा और क्या कुछ होगा, मतलब दुल्हन के घर आने के बाद क्या कुछ होता है, वो सब कुछ रस्में आप लोग को देखने को मिलेंगे। खाली अभी किनारे कर रहा हूँ। बस उन्हें लिया किचन हो, किचन लिया। घूंघट ऊपर करिए। बाबू बैठ के तू करो। उसको छोड़ दो, पीहू छोड़ दो इधर। नहीं हल्का आराम से कौन जल्दी तू ना देख। अब वीडियो देख लिया मौसी। हां यार आ यार आ यार आ यार तो कह दे कि सुमन निकल गया। गर्ल बड़ी अपने लिए पढ़े हो जाई है ये। फाइल में लिख लिख के कोड़ा भर आई है ये। अरे सारों ने टूट गया है। अरे जान यो अरे एक लगा था वो कंचन के सुमन का लगा के अन्नू के अंजलि का लगा के वो ठीक लगला। गाली वाली गाली वाली गाली ना गीत माइक पे पर नहीं कर गरीब आवत ले को बाद में हो वाला सुनल जाई। आज रसम वाला सुनते हो हो रे जाई लोग बचाओ ना। अच्छा बाद में हम रोज रोज कहिया जाइबे रे जासे पकिया बिछा दे ना ना दुनो हाथ पढ़ाले बारी जाओ दीदी के पास जाओ बड़ा जगह अभी आ रहे हैं। तो अभी यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखा। इसके आगे का पार्ट रिसेप्शन वाला दिखाऊंगी, वो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया है, डांस किया है, वो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बहुत लंबी लंबी मैं वीडियो नहीं डाल सकती, छोटी वीडियो डालूंगी तो जल्दी से अपलोड हो जाएगा, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार और लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।